हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चिली प्लांट के बारे में कि आप अपने चिली के पौधे से ढेर सारी चिलियां कैसे पाएं। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख ही पा रहे होंगे कि मेरा जो चिली का प्लांट है वो काफ़ी पथरीली ज़मीन में लगा हुआ है, यानी हमारी जो पत्थर की ज़मीन है उसमें भी काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ करने लग रहा है। मेरा जो चिली का प्लांट है वो ढेर सारी चिलियों से भरा हुआ है। गाइस, यदि आपने भी अपने घर पर किसी पॉट या ज़मीन में या बगीचे में चिली प्लांट उगाए हुए हैं और पल फूल नहीं बन पा रहे हैं या काफ़ी चांस कम बने हुए हैं आपके चिली प्लांट पर फल आने के, तो उसके लिए कुछ फर्टिलाइज़र बताएंगे, उनका अवश्य इस्तेमाल करें ताकि आपका जो चिली का प्लांट है वो काफ़ी अच्छी तरीके से फल फूलों से भर जाए। तो जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे वीडियो में कि मेरा जो चिली का प्लांट है वो बिल्कुल ज़मीन में यानी पत्थरों में लगा हुआ है और फिर भी अच्छी प्रकार से चिलियों से लदा हुआ है, यानी इस पर पत्तियाँ भी नहीं हैं उतनी की, ढेर सारी चिलियाँ बनी हुई हैं। और गाइस, इतनी ढेर सारी चिलियाँ पाने के लिए मैं इस पर फर्टिलाइज़र भी इस्तेमाल करती रहती हूँ, जो कि आगे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आप वीडियो को बिना स्किप के ध्यानपूर्वक देखते रहिए ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके और आप भी इतनी सारी चिलियाँ अपने प्लांट से पा सकें। और गाइस, इसकी नराई गुड़ाई तो नहीं हो पाती है क्योंकि पथरीली ज़मीन में गुड़ाई करना अच्छी प्रकार से आसान नहीं है, और मैं भी फिर भी इस पौधे की गुड़ाई धीमे धीमे से करती रहती हूँ, महीने में 2 या 3 बार करती रहती हूँ ताकि उपजाऊ घास है उसकी नराई गुड़ाई हो जाने से हमारे पौधे की जड़ भी मजबूत बन जाती हैं और प्लांट भी मजबूत बनने के साथ साथ फल भी ढेर सारे लगने लगते हैं। तो गाइस, अपने चलिए अब बात कर लेते हैं वाटरिंग के बारे में कि हमें अब गर्मियों के मौसम में वाटरिंग कितनी रखनी है और कैसे नमी बनाए रखनी है। तो गाइस, अपने पौधे में हमें कम से कम 15 दिन के बीच बीच में या 10 दिन के लगभग हमें वाटरिंग करते रहना चाहिए, क्योंकि गर्मियों के मौसम में हमारे पौधे पर अत्यधिक धूप पड़ने की वजह से नमी की कमी आ जाती है और उसके लिए अपने पौधे की सॉइल में नमी बनाना अत्यधिक आवश्यक है। तो इसके लिए हमें अपने पौधे में 10 से 15 दिन के बीच बीच में वाटरिंग करते रहना चाहिए ताकि हमारा जो प्लांट है वो अच्छी प्रकार से ग्रोथ करता रहे और नमी बनी रहेगी तो हमारा प्लांट है वो फल फूलों से भरा रहेगा और गाइस ढेर सारी चिलियाँ पाएंगे अपने प्लांट से। और मैं आगे इस वीडियो में फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ, उनको ध्यानपूर्वक देखें ताकि आप भी अपने चिली के प्लांट से इतनी सारी चिलियाँ पा सकें और आपका जो प्लांट है वो किसी भी ज़मीन में यानी पथरीली हो या रेतीली हो, कैसे भी बाग में लगा हो और उसे इतनी सारी चिलियाँ पाएंगे कि आप तोड़ते तोड़ते थक जाएंगे। तो गाइस, इस फर्टिलाइज़र को बता रही हूँ उसको आप अवश्य इस्तेमाल करें अपने पौधे पर, जो कि मेरे प्लांट पर आप देख ही पा रहे हैं कि पत्तियां भी नहीं हैं उतनी, चीलियां लगी हुई हैं। तो चलिए गाइस, आप फर्टिलाइज़र के बारे में भी बात कर लेते हैं कि मैंने यहाँ पर किस चीज़ का फर्टिलाइज़र बना करके रेडी किया हुआ है। और मैंने यहाँ पर एक बर्तन लिया हुआ है गाइस, और इस बर्तन में लगभग 1/2 लीटर के पानी ले रखा है, जो कि मैं एक प्लांट के लिए फर्टिलाइज़र बना रही हूँ। तो फर्टिलाइज़र ज़्यादा प्लांटों के लिए बनाना है तो ज़्यादा वाटरिंग लेना है, और कम वाटर लेना है एक प्लांट के लिए बनाना है। तो गाइस, मैंने यहाँ पर एक प्लांट के लिए बनाया हुआ है, तो मैं यहाँ पर एक शैम्पू है जो कि सेंसलक शैम्पू का इस्तेमाल किया हुआ है। आप चाहे तो कोई सा भी शैम्पू इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फर्टिलाइज़र बनाने के लिए, और काम वही करेगा जो कि चाहे कोई सा भी शैम्पू अपने पौधे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं फर्टिलाइज़र बनाने के लिए। तो गाइस, मैंने यहाँ पर सेंसलक शैम्पू का इस्तेमाल किया हुआ है और जो कि कट करके इस 1/2 लीटर पानी में डाल करके भी रेडी कर चुकी हूँ। और गाइस, आप भी ऐसे ही फर्टिलाइज़र बनाएं अपने प्लांटों के लिए तो आप ढेर सारी चिलियाँ पाएंगे। और गाइस, देख पा रहे होंगे वीडियो में कि मैंने यहाँ पर शैम्पू डाल करके अच्छी प्रकार से रेडी कर दिया है, और इसे मैं आपको घोल करके भी दिखाऊं कि हमारा जो शैम्पू है वो पानी में मिक्स हो जाए अच्छी प्रकार से। तो मैंने इसे हाथ की सहायता से इस प्रकार घोला है कि हमारा जो शैम्पू और पानी है दोनों मिल करके अच्छी प्रकार से रेडी हो जाए और हमारे पौधे के लिए अच्छी प्रकार से फर्टिलाइज़र बन जाए, जो कि काफ़ी मात्रा में चिलियाँ लगने का काम करे। और गाइस, इस शैम्पू का इस्तेमाल करने से हमारे पौधे पर कोई भी रोग लग जाता है तो वो भी नष्ट हो जाएगा और ढेर सारी चिलियाँ लगने लगेंगी, और चिलियों का साइज यदि छोटा होता है तो वो भी काफ़ी बड़े साइज की बनने लगेंगी हमारे चिली प्लांट पर। तो गाइस, इस फर्टिलाइज़र को अब लेकर अपने पौधे की गुड़ाई करने के बाद हमें अपने पौधे की रूट्सों में डाल देना है, और गुड़ाई भी हमें 1 से 1.5 इंच की गहराई में कर लेनी है, ज़्यादा की गुड़ाई नहीं करनी है, क्योंकि गुड़ाई गहरी करने से हमारे पौधे की जो रूट्स होती हैं वो गहराई में कट जाती हैं अंदर की साइड, तो हमें पता ही नहीं चलता और हमारा पौधा धीमे धीमे से सूखने लग जाता है। तो गाइस, 1 से 1.5 इंच की गहराई में गुड़ाई कर लेनी है अच्छी प्रकार से, और उसके बाद अपने फर्टिलाइज़र को लेकर
हमें अपने पौधे की रूट्सों में डाल देना है। और गाइस इतना काम कर लेंगे तो हमारा प्लांट अच्छी प्रकार से चिल्लियों से भरा रहेगा और काफ़ी लंबे समय तक चिल्लियाँ देता रहेगा, जो कि आगे वीडियो में आपने देखा था कि मेरे प्लांट पर कितनी चिल्लियाँ लगी हुई। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो गाइस फिर मिलते हैं अगले किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू।